पातक बहुमोहि जानि अनान करहि कृपा पान कुल दान तामस तन कछु साधन ना प्रीति न पद सरोज मन मान तब मोहि बाप रोज हनुमंता तिनु हरि कृपा मिले नहीं सन जो रघुवीर अनुग्रह चिन्हा तो तुम मोह डर सुनहु विभीषण प्रभु के नीति करहि सदा सेवक पर की कहु कवन में परम कुलीना कवि चंचल सब ही विधि प्राप्त ले जो नाम हमार तेहि दिन ताहि न मिले आहार मंगल भवन अमंगल जबहु सुगंध रस गजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हर जबहु सुगंध रस गाने से हमारे पाप कटते हैं या तो हम जोर से गाते हैं आपको पर्दा पाता नहीं नहीं आता है तो अलग रास्ता है हिंदी में और गुजराती में दोनों में सुंदरकांड की पुस्तक गाते हैं तो हमारा क्रोध शांत हो जाता है हमारा ई गो हो जाता है ई गो हो जाता है थैंक यू और इसको भी थोड़ा कर दीजिए धन्यवाद ये लाइट बहुत बढ़िया चीज है लाइट के बगैर संसार दिखता नहीं वैसे श्रद्धा बहुत जरूरी चीज है श्रद्धा के बगैर प्रभु का दर्शन नहीं होता है मगर ये लाइट की विटंबना ये है कि सामने हो तो अच्छा है हमारी आंखों में पड़ती है तो कुछ नहीं दिखता है तो श्रद्धा का अतिरेक हो जाता है तब वो श्रद्धा ब्लाइंड बन जाती है अंधी बन जाती है आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं श्रद्धालु होना बहुत बड़ी बात है और भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो भगवान शंकर स्वयं श्रद्धा का स्वरूप है और भगवती पार्वती विश्वास है मगर श्रद्धा में आते आते आप कहीं पे उलझ गए और अंधश्रद्धा में आप प्रविष्ट हो गए तो वो लाइट समझो आपकी ओर लगाई थी वो मेरी ओर हो गई तो मुझे दिखना बंद हो गया जैसे लाइट से आप सबको दिख रहा था मगर वो ही मेरी आंख पे आ गया तो मुझे दिखना बंद हो गया वैसे ही श्रद्धा का कुछ वैसा है श्रद्धा का अतिरेक व्यक्ति को अंध बनाता है यहां हनुमान जी महाराज बोले खुद के नाम पे नहीं बोले तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम परिचय मांगा तो भगवान राम का परिचय दिया मेरा क्या परिचय हो सकता है राम की कथा सुनाई सुनत जुगल तन पुलक मन क्या तुलसी का वैभव है साहब सुनत जुगल तन पुलक मन कभी सोचिए भाषा का वैभव है ना सुनत जुगल तन पुलक मन आ क्या रचना की मगन सुमेरे गुण गान ऐसे सुना पुनर ऐसे गा नहीं सकते आप मगर ये तुलसी का वैभव है क्या किसी भी दोहे को किसी भी चौपाय को जितने राग में गाना चाहते हो आप गा सकते हो तो सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण गान राम जी की कथा सुनी और उसका तन पुलकित हो गया सुनत पुलक सुनत जुगल तन पुलक मन झूमने लगा उसका तन पुलकित होने लगा मन प्रसन्न होने लगा प्रभु के गुण को सुनकर अभी
विभीषण खुद का परिचय देते हैं कि महाराज जी आपको लगता है कि लंका की ये सोने की लंका है, मगर सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिमि दस नदी महु जीभ विचार। 32 दांतों के बीच में जैसे जीवा रहती है वैसे हनुमान जी महाराज मैं रहता हूं। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, हे हनुमान जी महाराज मैं अनाथ हूं, इतना मेरे पास है मगर मैं अनाथ हूं, और मुझे अनाथ मानकर कर रहे कृपा भानुकुल नाथा, मेरे पर कृपा ये सूर्यवंशी कब कृपा करे, भानुकुल नाथ मेरे पर कब कृपा करेंगे और कृपा क्यों करेंगे। हनुमान जी महाराज आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, मगर मैं तो न तो मंदिर है न तो पाठशाला है न सत्संग है, लंका में कुछ नहीं। लंका में क्या है? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पति सरोज मन माही। हनुमान जी महाराज ये हमारा तामसी शरीर, हमारा बाप तामसी, हमारी माँ तामसी, हमारा उदर का जो पोषण हुआ वो भी तामस से हुआ। अभक्ष खाके हमारा प्रादुर्भाव हुआ, हमारा शरीर तामस से भरा हुआ है, और तामसी व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता है। हमारा पूरा शरीर तामसी है। हनुमान जी महाराज तामस तन, और आपके पास तो काफी प्रकार के साधन हैं। अब भगवान का नाम लेना चाहो ले सकते हो, मगर यहां फुली रिस्ट्रिक्टेड है, किसी ने सुन लिया तो मार देते। तामस तन कछु साधन न, भक्ति का अवलंबन का कोई भी साधन विद्यमान नहीं। प्रेम तो बहुत आता है मगर किसको जताए। प्रेम करने के लिए, प्रेम प्रदर्शित करने के लिए भी प्रेम छिपायो ना छिपे जागट प्रगट होर, मगर किसके सामने प्रकट करे, किसके सामने प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट करे। तो रावण को बोल देता है और रावण मार देता है। प्रीति न पद सरोज मन मान, मन में ही मन से प्रभु को हम याद करते रहते हैं हनुमान जी महाराज, मगर आज मुझे प्रभु के ऊपर विश्वास हो गया है, मेरे हरि के ऊपर मेरे राम के ऊपर विश्वास हो गया है। रामायण की बहुत ही बढ़िया चौपाई, अद्भुत चौपाई विभीषण जी बोलता है। अब मोहि भा बरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हे हनुमान जी महाराज आज हमें विश्वास हो गया है। अब मोहि भा बरोस हनुमंता, मुझे भरोसा हो गया है कि जब तक प्रभु का कृपा प्रसाद नहीं होता है, प्रभु का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक हमारे जीवन में संत का प्रवेश नहीं होता है। और भगवान की कृपा होने का सबसे अच्छा परिणाम क्या है कि हमारे पर भगवान की कृपा है, उसका परिमाण क्या है। तो विभीषण जी कहते हैं कि आपके जीवन में संत आएंगे। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोह दर्शु हठि दिन्हा। ये अवधि की कमालियां लिखती है। जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा, रघुवीर ने भगवान राम ने अनुग्रह करके, तो तुम मोहू मोहि दर्शु हठि दिन्हा। ये हठि शब्द है ना, वो जबरदस्ती वाला है। यहां विभीषण ने कुछ नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया, ढूंढ रहे थे भगवती सीता को, मगर हनुमान जी महाराज आ गए
विभीषण के घर पर, जबकि लंकिनी के साथ बात का टाइम नहीं था, वो पर्वतों के साथ समय बिताने का समय नहीं था, उसके साथ बात कर रहे। ये क्यों होता है? मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? हे महाराज जी, मैंने आपको बुलाया नहीं, आप भेजे गए हो। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है साथ। ये भगवान के जो फरिश्ते आते हैं उसको ढूंढ नहीं पाते, वो मिल जाते हैं साथ। दरसु हठी दिना, जबरदस्ती आप मेरे घर में आ गए, मेरा कोई न्योता नहीं था, मगर फिर भी आप आए। और भगवान की कृपा का प्रकार साहब अलग होता है, हम समझ नहीं पाते। एक महाराज जी बढ़िया कथा कर रहे थे, अद्भुत कथा चल रही थी, और महाराज जी ने भगवान की सत्ता का प्रकार बताया कि सबको भगवान जगाते हैं, सबको भगवान सुलाते हैं, सबको भगवान खिलाते हैं, और सबको सबका भगवान पचाते हैं। तो वो बंदा बाद में कथा पूरी हुई तो महाराज जी से मिलने आया कि महाराज जी जगाना सुलाना बात चाहिए, मगर खिलाने में एग्री नहीं हूं मैं। हम इतना सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, कितना करें, किराना घर पे लाते तब खाने को मिलता है, और आप बोलते प्रभु खिलाते हैं, तो हमारी नौकरी सर्विस का क्या? क्योंकि वो तो एक बहाना है, मगर खिलाते ठाकुर जी है। कीड़ी ने कौन ने हाथी ने मन, सबको प्रभु देते हैं, तो वो थोड़ा बुद्धिशाली था। और बुद्धि भ्रमित करती साथ, ईश्वर की जहां तक बात है तो हमारी बुद्धि समाप्त होती है, उसके बाद ईश्वर की शुरुआत होती है। राम की शुरुआत कहां से? आराम की अनुभूति है तब राम की शुरुआत है। और आराम कब मिलता है? काम आदि मद दंभन जाके तात निरंतर बस में ताके। काम क्रोध लोभ मद मोह माया ममता ईर्ष्या वैर जेर तेरा मेरा निकल जाता है, तब व्यक्ति को आराम की अनुभूति। आ राम उसको कहते हैं। हम रेस्ट कर रहे हैं, हम थकान मिटा रहे, आराम नहीं कर रहे। आराम तो बहुत बढ़िया चीज है, राम का सुमिरन आता है उसको कहते हैं आराम। अभी क्या यहां लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? टायर्ड, रिटायर्ड। हाँ, नौकरी करता है तब टायर्ड होता है, फिर टायर्ड से डबल टायर्ड, रिपीट होता है ना, रिपीट दूसरी बार टायर्ड होता है। एक तो काम करके थका, अब नवरा बैठा ना खुद वाले रिटायर बोलते हैं, रिपीट करो सब बोलते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं आप मेरे यहां, हाँ विभीषण जी कहते हैं आप मेरे यहां जबरदस्ती आए हैं, मैंने आपको बुलाया नहीं था। एक उदाहरण देना चाहता था, वो उदाहरण की बात चल रही थी, तो बुद्धिशाली व्यक्ति कहा कि मैं नहीं मानता हूं, खाना हमें पड़ता है, किराना लाना पड़ता है, पकाना पड़ता है, आप तो बाबा जी घर घर घूमते हैं, कथा वार्ता करते हैं, आपको पता नहीं होता रोटी कैसे बनती है, तावड़े तेर वाला मांगे तब रोटी पकती है। महाराज जी ने कहा भाई मुझे आपसे बहस नहीं करनी, मगर मुझे मेरे ठाकुर जी खिलाता है, तो आपको तो क्या मांग के खाना और गरम रोटी। संत ने तर्क छोड़ दिया और उस बंदे ने नक्की किया कि कल पूरा दिन भूखा रहना है और परसों महाराज जी को आके बोलना है कि आपके भगवान ने मुझे नहीं खिलाया। कुतर्क यम कांश्चित मुखर यदि मोहाय जगता व्यक्ति किमी हकीम का या सकल किम उपाय स्त्री भगवान की माधारो धाता। भगवान के बारे में कुतर्क करता है कि माधारो धाता, ये महिम्न स्तोत्र है। एक कौन सा आधार लिया है, कौन सी धातु लाए होगे, कौन सी पदार्थ लाए होगे, कैसे बनाया होगा,
कि मां धारो दाता सुजति इस तरह कैसे किया, वो तर्क नहीं है, वो कुतर्क है। क्योंकि था क्यों मथिरे मथि कारण जड़ तू नथी समझण आपो दया करी शिव दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़िए घड़ी कष्ट तम कापो दया करी शिव दर्शन। तो वो गया जंगल में और जंगल में जंगली पशु होते तो उन्होंने सोचा कि एक पेड़ के ऊपर चढ़ के पूरा दिन पूरी रात बैठो और दूसरे दिन आओ। चढ़ गया पेड़ के ऊपर, अच्छी सी टहनी थी उसके ऊपर बैठ के पलाठे लगा के